बच्चों, कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन पढ़ रहे हैं मुद्रा अर्थ, मुद्रा का अर्थ एवं कार्य एवं पूर्ति। तो इसके पहले वाले चैप्टर में अपन मुद्रा का कार्य, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के कार्य और मुद्रा के दोषों का अध्ययन किया। अब मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय होता है? तो मुद्रित मुद्रा की जो पूर्ति होता है घरेलू मुद्रा में उसे कुल मात्रा से होता है। मतलब जो मुद्रा है, जो मुद्रा की पूर्ति है उससे आशय घरेलू मुद्रा भी उस कुल मात्रा से होता है। मतलब जो उसकी पूरी मात्रा होती है जो देश की जनता द्वारा उसे क्या करता है स्वीकृत उसके पास होती है। जनता से तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था से, व्यक्ति, व्यापारिक फर्मों, राज्य, स्थानीय करों, स्थानीय सरकारों आदि से होता है। तो जो केंद्रीय सरकार होती है और केंद्रीय बैंक होते हैं इसमें व्यापारिक बैंक इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह तो स्वतः मुद्रा संचित करने वाली एजेंसी होती है। तो उसे केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय बैंक या कोषों में रखी गई नगद मुद्रा भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल की जाती है। इसी प्रकार मतलब जो आपको बता दूं जो कोषालय में रखी गई नगद मुद्रा मूर्ति में शामिल नहीं होती। मतलब जो केंद्रीय बैंक और सरकार और कोषालय में जो मुद्रा होती है उसे मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। इसमें नगद नगद मुद्रा को अपने पास केंद्रीय बैंक के पास रखनी अनिवार्य होती है। केंद्रीय बैंक ना दैनिक मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। मतलब जो केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा होती है वह तब केंद्रीय बैंक के पास जो मुद्रा होती है मुद्रा ना देने के योग्य मुद्रा को पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। वास्तव में इसका चलन नहीं है। इसे मतलब मुद्रा की आपूर्ति से आशय कुल मुद्रा की मात्रा से होता है जो समय बिंदु पर क्या होती है ये मतलब इसके लिए एक सामान्य चलन मतलब सामान्य इसे समय बिंदु पर चलन में होती है। मतलब इसको समय समय पर मतलब इस प्रकार किसी समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति से आशय है कुल मुद्रा की मात्रा से है जो समय बिंदु पर चलन पर होती। तो मुद्रा पूर्ति का आशय क्या होता है? जो मुद्रा होती है उसे घरेलू मुद्रा और कुल मुद्रा से प्राप्त तो देश की जनता द्वारा स्वीकृत या उसके पास होती है। जनता से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से, जो व्यक्ति होते हैं, व्यापारिक फर्में होती हैं, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक इसमें मुद्रा पूर्ति में इसमें शामिल नहीं किया। मतलब केंद्रीय सरकार जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय बैंक है और व्यापारिक बैंक इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। और यह स्वतः मुद्रा का क्या करती है संचित करने वाली एजेंसी होती है। मतलब जो पूरी मुद्रा पूर्ति है वह स्वतः मुद्रा संचित करने वाली क्या है एक एजेंसी है। तो हो गया मुद्रा पूर्ति का आशय। फिर मुद्रा पूर्ति के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है? या व्यापारिक बैंकों से कुछ मांगे जमाओं के रूप में क्या कर सकते हैं इसको परिभाषित किया जा सकता है। चेक द्वारा बैंक में चाहे निकाली जा सकती है। इसके मुद्रा के समान की तरल होती है। लोगों के पास कुल करेंसी तथा लोगों को कुल मांग जमा राशि पूर्ति इसे काय से प्रस्तुत करते हैं। इसे मतलब मुद्रा पूर्ति है इसे एम वन के द्वारा क्या करते हैं दर्शाया जाता है। वास्तव में मुद्रा पूर्ति एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण मतलब इसको अगर समझा जाए तो ये बहुत संतुलित दृष्टिकोण से इसको समझा जा सकता है। इसे जो परंपरा दृष्टिकोण के अंतर्गत जो मुद्रा पूर्ति है उसे क्या करते हैं
ये पहला हो गया परंपरा दृष्टिकोण। फिर इसके बाद दूसरा है मौद्रिक संप्रदाय दृष्टिकोण। इस विचारधारा में इसको शिकागो के विश्वविद्यालय में इसको मौद्रिक संप्रदाय द्वारा मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई। इसमें मतलब जो आपके पास मतलब लोगों के पास इनके अनुसार लोगों के पास जो कुल करेंसी लोगों के बैंक में जमा और अतिरिक्त लोगों की बैंक कुल मियादी को समय समय पे जमा को मुद्रा की पूर्ति में क्या करना चाहिए शामिल करना चाहिए। इस प्रकार की जमाएं क्या होती हैं एक निश्चित अवधि में होती हैं जिन्हें ग्राहक अवधि में से क्या करते हैं पूरा होने पर एक निश्चित ब्याज दर की प्राप्ति पर निकाल सकते हैं और इसको इन जमाओं को समय समय में पूर्व से निकाल भी नहीं सकते बल्कि ऐसा भी करते हैं कि समय पूरा होने से पूर्व निकाल लेते हैं तो इसे नीचे ब्याज दर से भुगतान किया जाता है। मतलब आपके पास जो मतलब जो जमा पूंजी है उसे निश्चित ब्याज की दर पर आपको प्राप्ति के साथ ही निकाल सकते हैं। अगर इसके पहले इसको निकालोगे तो अगर इसके समय के पूर्व निकालोगे तो ऐसा होने पर इसे समय पूर्व निकालने पर इसको जो ब्याज दर क्या होगी वो नीची हो जाएगी और आपको भुगतान कम किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जो जमाकर्ता होते हैं वह जमाकर्ता बैंक में दंडित ब्याज दर भी चुकानी पड़ती है। इसे विचारधारा से इस मुद्रा की पूर्ति को M1 के साथ साथ व्यापारिक बैंक के समय जमा को जो व्यापारिक बैंक जमा होती है उनके योग को विशिष्ट विचारधारा से भारत में से क्या करते हैं M3 में दर्शाया जाता है। ये क्या हो गया ये मौद्रिक संप्रदाय दृष्टिकोण जो मुद्रा पूर्ति का क्या है मुद्रा पूर्ति के दृष्टिकोण से तो जी मुद्रा पूर्ति के क्या है विभिन्न अवधारणाएं जो आपको भारत में इसे विस्तृत विचारधारा से भारत में कैसे अपना तो दर्शाया जाता है M3 में दर्शाया जाता है। तो ये हो गया मौद्रिक। फिर तीसरा है गार्ले एवं शाह का दृष्टिकोण। तो गार्ले और शाह ने भी अपना दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा की पूर्ति का दृष्टि तीसरा दृष्टिकोण है विस्तृत। शाह का उन्होंने पुस्तक में मनी ऑफ थ्योरी फाइनेंस को दिया है। इसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति को कार्यकारी से MC की अतिरिक्त सेविंग बिल्डिंग सोसाइटियों में जमा ऋण संघों पर जमा आय एवं वित्तीय संस्थाओं के जमा को जोड़ना चाहिए। फिर है तरलता दृष्टिकोण। तो तरलता पूर्ति की जो मुद्रा है उसको पूर्ति के संबंध में विचारधारा को रेड कमेटी ने रिपोर्ट पर आधारित मतलब उन्होंने एक अपनी एक रिपोर्ट बनाई उसमें पूर्ति की जो मुद्रा की पूर्ति है उसकी विचारधारा को अतिरिक्त विस्तृत उन्होंने मुद्रा की पूर्ति को तरलता से विस्तृत ढांचे में एक भाग जो वस्तु के व्यय के लिए होती है लोगों मतलब जो उसके लोगों का व्यय निर्माण होता है उससे क्या होता है प्रभावित होता है और अर्थव्यवस्था में क्या होता है सामान्य तरलता निर्धारित होती है और मुद्रा की पूर्ति में इससे निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा संचय के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की दृष्टि को उपयुक्त विचारधाराओं से मतलब जो उसकी विचारधारा है उसको संतोषजनक नहीं है और परंपरा दृष्टिकोण में M1 जो है वह विनिमय का एक निश्चित माध्यम है परंतु वह कैसा है निम्न कोटि का मूल्य संचय है और उसमें ब्याज नहीं मिलता उसका ब्याज दर कैसी होती है बहुत कम होती है। फिर मौलिक नीति में इस दृष्टिकोण को भी क्या बताया है संकुचित बताया है। उसके बाद M1 के साथ जमाओं में शामिल किए जाने वाले मुद्रा को पूर्ण रूप से तरल नहीं है। इसका कारण है कि मुद्रा निकालने के लिए जो ब्याज का बैंकों को नोटिस देना क्या होता है आवश्यक मतलब आप जब भी किसी बैंक से मुद्रा का आहरण करोगे उसके लिए पहले आपको नोटिस की आवश्यकता होगी। गार्ले और शाह की तरलता दृष्टिकोण को भी अधिक विस्तृत है मतलब जो गार्ले और शाह का दृष्टिकोण है वह भी कैसा है अधिक विस्तृत है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा के विनिमय के माध्यम का कार्य कर पूरा होता है इसे विस्तृत केंद्रीय बैंक में नियंत्रण होती है मुद्रा का संचय अत्यधिक तरल व आवश्यक होता है। फिर भारत में मुद्रा माप का स्टॉक वो यात्री चार दृष्टिकोण हो गए। भारत में मुद्रा के आंकड़ों के मतलब जो मुद्रा स्टॉक की माप तो
मुद्रा की पूर्ति से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वर्षों को दो श्रेणियों में विस्तृत किया है। पहला है लोगों के पास कुल मुद्रा तथा पहला हो गया ये कुल लोगों के पास कुल मुद्रा तथा दूसरा हो गया कुल मौद्रिक साधन, मतलब लोगों के पास कितनी कुल मुद्रा है, और दूसरा है कुल मौद्रिक साधन। तो लोगों के पास कुल मुद्रा का आकलन कैसा होता है? निजी व्यक्तियों के पास करेंसी, लोगों की बैंक में कुल मांग और जमा राशि, रिजर्व बैंक के पास कुछ जमा राशि भी शामिल की जाती है, जो बैंक है उसमें रिजर्व बैंक के पास कुछ जमा राशियों को भी शामिल किया जाता है। लोगों के पास क्या होती है? चलन वाली, मतलब चलन के नोट होते हैं, रुपयों का सिक्का, मतलब जो सिक्के होते हैं छोटे छोटे सिक्के भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के पास जो जमा होते हैं इसे शामिल नहीं किया जाता। इसको बैंकों की शुद्ध मांग और जमाओं रिजर्व बैंक के पास शामिल किए जाते हैं। ये भारत में मुद्रा स्टॉक की मांग है लोगों के पास, मतलब उसको दो श्रेणियों में प्रस्तुत किया है। तो पहली है लोगों के पास जो कुल मुद्रा जमा और दूसरा मौद्रिक साधन। तो ये आपके क्या हो गए मुद्रा से संबंधित आंकड़े हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दो श्रेणियों में बांटा है। इसके बाद है M1 के अंतर्गत, जो M1 है उसके अंतर्गत कुछ करेंसी होती है लोगों के पास, उसमें क्या जोड़ना है? लोगों के बैंकों की कुल जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो M1 है। M1 क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण से जो राशि है उसके अंतर्गत लोगों के पास जो करेंसी है, लोगों के पास कुल जमा राशि है, उसके बाद करेंसी का अनुमान लगाया, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या किया जाता है? करेंसी का अनुमान लगाया जाता है। उसमें प्रचलन में नोट की कुल मात्रा, मतलब जो अभी प्रचलित नोट है उसकी कुल मात्रा, और प्रचलन में रुपयों के सिक्के की मात्रा, और प्रचलन में छोटे सिक्के, बैंक की नगद राशि। इस प्रकार बैंकों में कुल जमा राशि दो मात्रा में सम्मिलित होती है। लोगों को व्यापारिक और सहकारी बैंक में रिजर्व बैंक के पास कुछ जमा राशि भी होती है। तो उसके बाद M2 के अंतर्गत M1 मतलब जो M1 में सेविंग जमा में शामिल किया जाता है। तो M3 के अंतर्गत M1 तो जो M3 है उसके अंतर्गत M1 व्यापारिक सहकारी बैंकों में जमा राशि सम्मिलित किया जाता है। फिर M4 के अंतर्गत डाकखानों कुल जमा राशि को भी किया जाता। तो इस प्रकार M2 के अनुसार डाकखानों में सेविंग और M3 के अनुसार व्यापारिक और सहकारी बैंकों में जमा राशि और M4 के अंतर्गत डाकखानों और जमा राशियों में संग्रहित किया जाता। इस प्रकार मौद्रिक एवं साख नियंत्रण में M1 जहां एक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वहीं जो M1 है मतलब जो मौद्रिक एवं साख नियंत्रण के लिए M1 जो है एक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, M3 एक स्टॉक है जो इस दृष्टि से क्रियावान्वित किया जाना। मतलब जो आपको M1 है वह कैसा है? मौद्रिक नीति और शाक नियंत्रण की दृष्टि से M1 जो क्या है प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और M3 स्टॉक है उसे दृष्टि से क्रियावान्वित किया जाना चाहिए। फिर है परिलक्षित निधि के अनुपात। जो परिलक्षित निधि होती है वो जो परिलक्षित निधि का अनुपात जिसमें जमा अनुपात मुद्रा की पूर्ति को क्या करते हैं निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये आप क्या पढ़ रहे हो? आप देख रहे हो मुद्रा पूर्ति के निर्धारित तत्व। जो मुद्रा पूर्ति है ये मुद्रा पूर्ति के एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है मुद्रा पूर्ति के निर्धारित तत्वों को। मुद्रा क्या है जो ये निर्धारित क्या है ये निर्धारित तत्व मुद्रा पूर्ति की। पहला है प्रलक्षित निधि अनुपात। तो इससे मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग एवं समय जमाओं को एक निश्चित प्रतिशत में क्या करते हैं प्रलक्षित निधि में अनिवार्य होता है, और केंद्रीय बैंक परिलक्षित अनुपात में परिवर्तन करके मुद्रा जो देश की मुद्रा की मात्रा को प्रभावित किया जाता है इसे केंद्रीय बैंक या परिलक्षित निधि के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। तो इसे मुद्रा की पूर्ति कैसी हो जाएगी? बैंक
को के पास ऋण देने के लिए मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर दूसरा है मुद्रा पूर्ति का निर्धारित है बैंक कोषों का स्तर, मतलब जो बैंक कोष है वहां पर मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने के लिए व्यापारिक बैंकों को अपनी अपनी जमाओं को एक निश्चित प्रतिशत में अपने पास तरल रूप में रखना अनिवार्य होगा, जिसमें तरल कोषानुपात होते हैं। इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है और स्पष्ट है तरल कोषानुपात, मतलब जो कोषानुपात है जितना अधिक होगा व्यापारिक बैंकों में कोषों का स्तर भी उतना कम होगा, और दूसरे शब्दों में से कहेंगे तरल कोषा से अधिक होने पर मुद्रा की पूर्ति कम होगी, इसके विपरीत दशा में होने पर अर्थात तरल कोषानुपात में कम होने पर बैंकों को कोषों का स्तर ऊंचा होगा और मुद्रा की पूर्ति ऐसी होगी अधिक होगी, तो कोषों का स्तर। फिर है ये मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। तीसरा है नगद मुद्रा या जमाओं को प्रति जनता की मनोवृत्ति, मतलब नगद मुद्रा मतलब नगद और जमाओं में प्रति जनता की मनोवृत्ति, तो जनता अपनी मुद्रा को अपने पास रखना चाहती है, मतलब आप भी अगर चाहो अपना खाता इसलिए खोलते हो ना कि वो आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि ये मुद्रा हमारे पास, मतलब जो हमने पैसा जमा किया ये हमारे पास है, आप जब उपयोग करना चाहोगे इसको ले लो, तो मुद्रा को अपने पास रखना चाहता है जो जनता है वह भी मुद्रा को अपने पास रखना चाहती है, वह मुद्रा बैंक में है मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, लोग अपने पास कम न रख के मुद्रा रखना और बैंकों में अधिक मुद्रा जमा करने की आदत होती है, मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो बैंक अपने पास मुद्रा नहीं रखते, सारे जो अपना मुद्रा अपनी जमाए होती है वह क्या करते हैं बैंक में जमा करने की आदत होती है, और पूर्ति से अधिक अधिक जमाओं को आधार पर अधिक साधन होता है। इसके विपरीत यदि लोगों को बैंक की आदत नहीं है तो उसे मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखना पसंद होता है, अगर किसी को बैंक में जमा करने की आदत नहीं है तो बैंकिंग करने की अगर आदत नहीं है तो मुद्रा को क्या करेगा अपने पास रखना क्या करेगा पसंद करेगा, तो बैंक की साख साधन की क्षमता कैसी हो जाएगी घट जाएगी और मुद्रा पूर्ति का स्तर कैसा हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो लोगों में ये आदत होनी चाहिए कि अपनी अपनी जो पूंजी है अपना जो पैसा है या जो अपना मुद्रा है वो बैंक में जमा करने की आदत ना, जिससे मुद्रा पूर्ति का स्तर नीचा न हो। धन्यवाद।